नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों बरबट्टी, इसे बोड़ा भी बोला जाता है, बहुत सारे देशों में इसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने बरबट्टी के छोटे छोटे पीस काट लिए इस तरीके से, और आलू को, ताकि दोनों सेम हो सके और दोनों अच्छे इस तरीके से बन जाए। तब वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये रेसिपी। देसी तरीके से बना रही हूँ मैं, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है, नहीं तो फिर सब्जी कढ़ाई में चिपकने लगेगा। तो मैंने यहाँ करीब 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ जीरा और सरसों, अच्छे से चटक गए हैं। तो उसके बाद मैं 2 हरी मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 1 नमक। तो सभी चीज़ अच्छे से चटक गए हैं। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब फिर बरबट्टी का भी बना सकते हैं। हमें दोनों आलू के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसको, तो इसको अच्छी चलाना है। इसको मैं ढक दूँगी करीब 2 से 3 मिनट के लिए, और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। इधर 2 से 3 मिनट मैंने इनको भून लिया, और देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़्यादा काफ़ी चेंज हो गया है। तभी हम इसमें डालेंगे, देख सकते हैं आलू भी हमारा अच्छे से सूख गया है। इसके बाद मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। मैं मसाला पीस के डाल रही हूँ, आप चाहे तो बूंदी भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं हल्दी नमक से, और ये हमारा पीसा हुआ मसाला है। इसमें है धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्च, अदरक और लहसुन और प्याज। मैंने थोड़ा थोड़ा सभी पीस के मैंने पीस ली है। हम इसको ऐड करें 2 से 3 मिनट और पीसा हम पकाएंगे, ताकि मसाला नमक ये सभी अच्छे से हमारे हो जाए। हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेते हैं ढककर, धीमी धीमी आंच में। 2 से 3 मिनट हो गए और देख सकते हैं खुद मशीन हमारा भुजिया बनकर तैयार है। इसको 2 मिनट और धीमी धीमी आंच में सेक लगाएंगे कढ़ाई के चारों तरफ फैला के। तो लीजिए देखिए झटपट से हमारा बरबट्टी आ रहा, आलू का भुजिया बनकर तैयार है दोस्तों। गर्मा गर्म मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो। बहुत ही जल्दी बन जाता है दोस्तों, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए दोस्तों, फटाफट से हमारा आलू और बरबट्टी का भुजिया बनकर तैयार है। रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और देखिए कितने अच्छे से हमारे आलू सीज गए हैं, और बरबट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छे से हमारे भुजिया बनकर तैयार। आप इसे टिफिन लंच वगैरह भी देख जा सकते हैं दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।